What matters the most? Bharat matters. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी नेशन की कॉम्पिटेंस का बिगेस्ट सोर्स है। आज जब भारत वर्ल्ड की बिग इकोनॉमिक पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में एक्सीलेंट कनेक्टिविटी देश की प्रायोरिटी है। हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज यानी इंफॉर्मेशन वेज इकोनॉमिक स्पीड के लिए रिक्वायर्ड फाइव व्हील्स रैपिड ग्रोथ के लिए जरूरी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC भी इस दिशा में एक मेजर स्टेप है। दरअसल जिस तरह देश के सभी कोने को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हाईवेज के गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण किया जा रहा है, उसी तरह पूरे देश को सिर्फ फ्रेट के लिए डेडिकेटेड रेलवे लाइन से कनेक्ट करने के लिए रेलवेज के द्वारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने का प्रस्ताव है। इनमें फिलहाल दो डायगनल्स, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी EDFC और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। साल 2005 में उस समय की मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने DFC नेटवर्क की इनॉग्रल ट्रेन को 12th ऑफ दिसंबर 2020 को फ्लैग ऑफ कर इस खास रूट को हरी झंडी दिखाई। तब से 55,332 ट्रेन्स ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर और 44,658 ट्रेन्स वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC पर ऑपरेट की जा चुकी हैं। वहीं रिसेंटली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC ने एक मेजर अचीवमेंट हासिल करते हुए अपनी 1,00,000 ट्रेन्स रन करने का माइलस्टोन हिट किया। रेलवे बोर्ड में मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट जय वर्मा ने 100,000 ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया। अब तक DFC का 73.5% यानी करीब 2089 किलोमीटर रूट कमीशन है। वहीं ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT कनेक्टिविटी को छोड़कर DFC का पूरा ट्रैक दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। दरअसल नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लिए DFC क्रिटिकल है, ताकि 2030 तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP के 15% से घटाकर 8% किया जा सके। 2030 तक इंडियन रेलवेज के 3,000 मेट्रिक टन फ्रेट लोडिंग के गोल को अचीव करने के लिए DFC की फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी में इंक्रीज बेहद जरूरी है। और इसलिए दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम इसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में चर्चा करेंगे। साइंस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये कॉरिडोर और इससे क्या मेजर बेनिफिट्स होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जनरल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया जाए तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC गुड्स ट्रेन्स के लिए स्पेशल ट्रैक्स और अरेंजमेंट्स को कहा जाता है। असल में इंडिपेंडेंस के बाद फ्रेट के लिए देश में लार्जेस्ट रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम दिया गया है। करेंटली फर्स्ट फेज में दो कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। इनमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC और सेकंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC है, जिनमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC 1875 किलोमीटर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC 1506 किलोमीटर लॉन्ग है। DFC के बनने के बाद 70% गुड्स ट्रेन को इन दोनों कॉरिडोर में मूव किया जाएगा, जिससे रेलवे नेटवर्क डीकंजेस्ट होगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसकी लेंथ 1875 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट को साल 2006 में लॉन्च किया गया था। ये पंजाब में लुधियाना के पास सानेवाल से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के थ्रू होता हुआ वेस्ट बंगाल में डानकुनी तक जाएगा। इस कॉरिडोर में पंजाब में 88 किलोमीटर, हरियाणा में 72 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1078 किलोमीटर, बिहार में 239 किलोमीटर, झारखंड में 195 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 203 किलोमीटर की लेंथ शामिल है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC में 1337 किलोमीटर स्पैन्स लुधियाना के पास सहनेवाल से शुरू होकर बिहार के सोनगर में टर्मिनेट होगा। वहीं इस फ्रेट कॉरिडोर में 538 किलोमीटर का स्ट्रेच सोनगर से वेस्ट बंगाल के डांकुनी तक प्रपोज्ड है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दो डिस्टिंक्ट सेगमेंट हैं। इनमें वेस्ट बंगाल के डांकुनी से उत्तर प्रदेश के खुर्जा तक 1409 किलोमीटर का इलेक्ट्रीफाइड डबल ट्रैक सेगमेंट और खुर्जा से लुधियाना तक 447 किलोमीटर लॉन्ग सिंगल इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक होगा। इस कॉरिडोर में कोल माइंस, थर्मल पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल साइट्स मौजूद हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मेजर पोर्शन वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है।
अगर हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT से कनेक्ट करेगा। WDFC 5 states के थ्रू पास होगा। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। वेस्टर्न DFC में महाराष्ट्र में 177 किलोमीटर, गुजरात में 565, राजस्थान में 565, हरियाणा में 177 और उत्तर प्रदेश में करीब 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। वेस्टर्न कॉरिडोर JNPT से दादरी वाया वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा, रेवाड़ी डबल लाइन इलेक्ट्रिक ट्रैक के थ्रू 1504 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ये कॉरिडोर देश के मेजर पोर्ट्स के थ्रू पास होगा और ये प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA के द्वारा फंडेड है। वहीं दादरी में वेस्टर्न DFC को ईस्टर्न DFC में ज्वाइन करने का प्रस्ताव है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद 1950 से 51 में देश के टोटल फ्रेट ट्रैफिक में रेलवेज का शेयर 83% था, लेकिन धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन होने लगा। फ्रेट ट्रेन से फ्रेट में ज्यादा समय लगने और देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर होने के साथ ही रेलवेज के फ्रेट ट्रैफिक में कमी आती गई। 2011-12 में रेलवेज का शेयर घटकर 35% तक आ गया। वहीं दूसरी तरफ देश में टोटल रोड नेटवर्क में नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज की 5-6% हिस्सेदारी है और टोटल रोड फ्रेट ट्रैफिक 40% है। यही वजह है कि रेलवेज में फ्रेट ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए एक मेजर स्टेप लिया गया। दरअसल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इंडस्ट्रीज का रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की इंक्रीजिंग नीड्स के लिए कोल का ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इन सभी रीजंस की वजह से फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेपरेट लाइन की जरूरत महसूस की गई, जिन पर सिर्फ गुड्स ट्रेन रन करें और इन ट्रेन्स को कोई डिस्टरबेंस ना हो और गुड्स रैपिडली देश के कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सके। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL नामक एक सेपरेट कंपनी बनाई। 30th of October 2006 को ये कंपनी फॉर्म हुई। ये पूरी तरह रेलवे मिनिस्ट्री ओन्ड कंपनी है। DFCCIL का रोल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर और इस कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का है। दोस्तों, देश में बन रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कई बेनिफिट्स हैं। इस प्रोजेक्ट से एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, शिपिंग लाइंस, कंटेनर ऑपरेटर्स एक्सेट्रा को मेजर बेनिफिट होगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पैरेलल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऐसे में जिस तरह हाईवेज कंस्ट्रक्शन से इकोनॉमी को स्पीड मिल रही है, उसी तरह से कॉरिडोर से इकोनॉमी को गति मिलेगी। इन कॉरिडोर्स के बनने से मेन रेलवे लाइन पर ट्रैफिक रिड्यूस होगा। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन्स की स्पीड इंक्रीज होगी और मिनिमम टाइम में वो अपनी दूरी तय कर सकेंगी। वहीं फ्रेट कॉरिडोर हाई स्पीड कॉरिडोर है, जिससे गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज होकर 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। वहीं आगे चलकर इसे 100 किलोमीटर पर आर तक भी करने की प्लानिंग है। इससे गुड्स का मूवमेंट फास्टर होगा, जिससे बिजनेस एक्टिविटीज भी तेज होंगी और इकोनॉमी की स्पीड इंक्रीज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ऑपरेशनलाइज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर फ्रेट ट्रेन्स ने स्पीड के मामले में राजधानी एक्सप्रेस को भी बीट कर दिया है। कुछ गुड्स ट्रेन ने नियरली 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड को टच किया है, जो नॉर्मली ऑपरेट होने वाली स्पीड से ज्यादा है। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रेलवेज का फ्रेट ट्रैफिक इंक्रीज होगा और गुड्स ट्रेन बिना किसी प्रॉब्लम के रन करेंगी। करीब 70% गुड्स ट्रेन कॉरिडोर के ट्रैक्स पर रन करेंगी। इससे दूसरी रेल लाइंस के कंपेयर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर गुड्स ट्रेन मैक्सिमम वेट के गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकेंगी, जो कि बिजनेस के लिहाज से काफी बेनिफिशियल होगा। वहीं बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ ये कॉरिडोर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। रेलवेज द्वारा मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन और GSM बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम का यूज किया जाएगा, जिससे गुड्स ट्रेन की ट्रैकिंग की जाएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पॉल्यूशन को भी कम करने में हेल्पफुल होगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से पहले 30 साल में करीब 450 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस होने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडियन रेलवे के साथ साथ देश की इकोनॉमी की तस्वीर बदल कर रख सकता है। इसके बन जाने से फ्रेट चीपर होगा, क्योंकि ईच ट्रेन साइमल्टेनियसली 13,000 टन्स गुड कैरी कर सकेगी। ट्रक्स के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है। वहीं से रोड एक्सीडेंट भी इंक्रीज होते हैं। ऐसे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू इंडियन रेलवे देश में फ्रेट सेक्टर में रेडिकल चेंज की तैयारी कर रहा है। वहीं ये कॉरिडोर्स देश की इकोनॉमी के व्हील को भी स्पीड अप करेंगे। इससे टोटल 10,222 किलोमीटर लॉन्ग न्यू रूट क्रिएट होंगे, जो रेलवे के टोटल रूट का 16% है।
ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की फ्रेट ट्रेन्स ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रन करते हुए वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में लोकेटेड कई पोर्ट्स तक पहुंच जाएंगी, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कंटेनर लोड्स ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से भेजे जा सकेंगे, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।